ईरान और इसराइल के बीच तनाव चरम पर है। शनिवार देर रात को ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया था। हालांकि इसराइल का दावा है कि उसने ईरान के 99% मिसाइल और ड्रोन मार गिराए हैं। अब इसराइल ने कहा है कि वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। दोनों देशों के बीच तनाव पर दुनिया भर की नजर है। कोई भी देश नहीं चाहता है कि इन दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़े और एक नए युद्ध का रूप ले ले। इसी बीच इसराइल पर ईरानी हमले को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के शिया मुसलमानों के बीच जश्न का माहौल है। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में शिया मुसलमानों ने खुलकर अपनी खुशी जाहिर की है। लखनऊ के नखास इलाके में शिया समुदाय के कई व्यापारियों ने बताया कि इसराइल पर ईरान की तरफ से हमला किए जाने से समुदाय के अंदर गर्व की भावना का संचार हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन में इसराइल की तरफ से क्रूरता के खिलाफ केवल ईरान ही ऐसा मुल्क है जो खड़ा हुआ है। बाकी के 56 अरब मुल्क केवल चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इससे पहले इसी महीने रमजान के आखिरी शुक्रवार को मौलाना कलवे जवाद की अगुवाई में शिया मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाते हुए इसराइली बर्बरता के खिलाफ एकजुटता की अपील की थी। अब शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा, अगर सरकार चुनाव पर होने वाले असर को देखते हुए किसी का भी पक्ष लेते हुए कोई बयान नहीं देती है तो ये भी ठीक है। जब पीएम मोदी ने पहली बार इसराइल का दौरा किया था तब केवल शिया और सुन्नी ही नहीं बल्कि ज्यादातर भारतीयों ने इसराइल के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी की आलोचना की थी। वहीं फुटवियर दुकान के मालिक यूसुफ हुसैन ने कहा, लखनऊ के कई सारे शिया मुस्लिम अभी ईरान नहीं है, हमारा उस मुल्क से खास रिश्ता है। फिलिस्तीन में सुन्नी आबादी होने के बावजूद ये हमारे लिए फख्र की बात है कि ईरान ने मानवता की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। भारत सरकार की भी कूटनीतिक जरूरत के हिसाब से अपनी बाध्यता होगी, लेकिन मानवता के लिए ईरान का समर्थन करना चाहिए। बता दें कि 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले में एक ईरानी कमांडर समेत 7 रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इसराइल पर लगाया और बदला लेने के लिए इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल ताक दी। हालांकि मुस्लिम इसे गाजा में इसराइल की तरफ से मिलिट्री एक्शन के जवाब के तौर पर भी देख रहे हैं। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।